सवे भवन्तु सुखिन। भाग एक, भावार्थ। दुखी हो या सुख पाए तेरा नाम जपेंगे। लेख का उद्देश्य सत्कर्म हेतु प्रेरित करना है। चाहे उस अदृश्य को किसी भी नाम से पुकारें, सत्कर्म ही उसकी पूजा, बंदगी, प्रार्थना है। दुखी हो या सुख पाए, जैसे भी दिन आए, घर में जलाकर ज्योत तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा नाम जपेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात साधक आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करता है और मन को साधना प्रारंभ करता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में साधक का मन कुछ समय ही भक्ति में टिकता है और अधिकतम समय मन विभक्त रहता है। कभी किसी पदार्थ का चिंतन करता है तो कभी किसी शक्ल के चिंतन में विभक्त रहता है। जब साधना करते करते वह अवस्था आती है कि मन की भटकन कम हो जाती है और भक्ति प्रबल हो जाती है। साधना की अंतिम अवस्था में मन एकाग्र हो जाता है और साधक को विभक्त से भक्त बना देता है। इस अवस्था में सांसारिक पदार्थ शक्ल गौण हो जाते हैं। अदृश्य परम तत्व की भक्ति, उसका चिंतन, उसका मनन प्रमुख हो जाता है। साधारण मनुष्य अथवा साधक छोटा सा दुख आने पर ही रोने लगता है अथवा चीखने चिल्लाने लगता है। उस अदृश्य शक्ति का नाम याद आने लगता है और इस दुख के कारण ज्ञान को भूलकर उस दुख के लिए उस अदृश्य शक्ति को ही कोसने लग जाता है। और जब कभी सुख आता है तो उस अदृश्य शक्ति को भूल जाता है और मैं रूपी अहंकार से ग्रसित होकर मस्त हो जाता है अथवा नाचने गाने लग जाता है और यह भूल जाता है कि यदि सुख आया है तो दुख भी अवश्य ही आएगा, क्योंकि उस अदृश्य शक्ति की रचना ही ऐसी है कि अपवाद को छोड़ दे तो अधिकतर मनुष्यों के जीवन में दुख और सुख दोनों ही बारी बारी से आते रहते हैं। दुख आने पर मनुष्य सत्कर्म की राह पर चलता है और सुख आने पर मनुष्य का मन विकार से ग्रसित हो जाता है और सुख रूपी मदिरा के नशे में अधर्म की राह पर चलने लगता है। जो ज्ञान के अनुसार सत्कर्म करते हुए ध्यान के माध्यम से मन को साधकर विभक्त से भक्त बन जाता है, वह दुख में कराहता नहीं, उस दुख को अपने ही पूर्व जन्म के कर्म अथवा वर्तमान जन्म के विकारग्रस्त अधर्म में कर्म का परिणाम समझकर सहर्ष स्वीकार करता है और दुख में भी उस अदृश्य का स्मरण करते हुए सत्कर्म ही करता है। जब सुख आता है तो उसे भी अपने पूर्व जन्म अथवा वर्तमान जन्म के कर्मों का परिणाम समझते हुए उस सुख के आने पर मन को अहंकार तो क्या किसी भी विकार से मन को ग्रसित नहीं होने देता, यानी कि सुख में भी सत्कर्म रूपी पुष्पों से उसकी पूजा अर्चना करता है और दुख में भी सत्कर्म रूपी पुष्पों से उसकी पूजा अर्चना करता है। हर पल हर क्षण यह याद रखता है कि सत्कर्म ही उस अदृश्य की सच्ची भक्ति है, इसलिए भक्त हर क्षण हर अवस्था में उस अदृश्य का नाम स्मरण करते हुए सत्कर्म ही करता है, क्योंकि दुष्कर्म भक्त को विभक्त बना देते हैं और जो विभक्त से भक्त बन जाता है उसके अंतर में दिव्य ज्योति जागृत हो जाती है। सत्कर्म की राह पर चलते हुए जो ज्योत ज्योति अंतर में प्रकट होती है वह अखंड ज्योत अखंड ज्योति होती है, जो कभी नहीं बुझती। दृश्यमान जगत में ज्योत दीपक के माध्यम से अथवा हवन के माध्यम से प्रज्वलित की जाती है। दीपक की ज्योत को अखंड करने के लिए तो घी तेल और बाती का निरंतर उपयोग किया जाता है, लेकिन आंतरिक ज्योत ज्योति के लिए तो सत्कर्म और ध्यान ही घी तेल का कार्य करते हैं। जो निष्काम भाव से यज्ञ हवन करता है, निष्काम भाव से सत्कर्म करता है, सुख और दुख दोनों ही उसे विचलित नहीं करते और हर पल सत्कर्म व ध्यान के माध्यम से उस अदृश्य का अनवरत स्मरण चलता रहता है। शाब्दिक जाप का रूप परिवर्तित हो जाता है और शाब्दिक जप का स्थान मानसिक अथवा अजपा जप ले लेता है। लगातार तो